अतिशय मनागत सटका लावून जाणारी घटना आहे आणि नितीन देसाई अतिशय कल्पक असा आर्टिस्ट होता, अतिशय उत्तम कलाकृती त्यांनी विविध कार्यक्रमाचा जेव्हा जेव्हा आयोजित करण्यात आले तेव्हा तेव्हा उत्तम कलाकृती ही नितीन देसाईंनी साकार केली। अतिशय दुःखदायक दुर्दैवी घटना आहे की महाराष्ट्र देश एका उत्तम आर्टिस्ट पासून आज मुकला आहे, दूर झाला आहे। आत्महत्या करण्याची काय कारण आहे हे तर मला माहित नाही, पण जेव्हा अशा पद्धतीची आत्महत्या एखादा ज्यांनी अतिशय उत्तम अशी कलाकृती निर्माण करण्यामध्ये पहिल्या टॉप 5 मध्ये ज्यांचं नाव घेतलं जायचं त्यांची आत्महत्या, ही चटका लावून जाते हे निश्चित आहे। त्यांच्या आत्म्याला शांती लाभो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना। मला आर्थिक विवंचना असण्याचं खरं तर कारण नाही, कारण आपण जेव्हा अशा पद्धतीचा व्यवसाय करतो, पण आर्थिक विवंचना असली तरी आत्महत्या हा मार्ग नाही। नितीन देसाई त्या आर्थिक विवंचनेवर मात करू शकेल इतकी ईश्वरानी ईश्वरीय कलाकृतीची देण दिली होती, प्रचंड ऊर्जा आणि प्रचंड अशी त्यांच्यामध्ये इमॅजिनेशन आविष्कार करण्याची क्षमता होती, पण आर्थिक विवंचना हा विषय कधी आला नाही। आत्महत्या कोणीही करू नये असं वाटणाऱ्यापैकी मी आहे। सर हिंदी में जानना चाहेंगे, एक बेहद दुखद घटना, बहुत ही दुखदायक वेदनादायी घटना है। नितीन देसाई ये महाराष्ट्र के एक टॉप आर्टिस्ट में से था, बहुत सुंदर कलाकृति और आविष्कार का निर्माण करने वाले में से एक थे, और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। कई सरकारी कार्यक्रमों में उन्होंने वहाँ पे जो कलाकृति का आविष्कार किया था बड़ी तारीफ होती थी, और आज अचानक से जब मैंने ये सुना कि उन्होंने आत्महत्या की है तो दिल में बहुत दर्द होता है कि टॉप 5 में से जो हमारे महाराष्ट्र का नाम रोशन करने वाले आर्टिस्ट कलाकार है उसमें से नितीन देसाई एक थे। उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। कुछ चर्चाएं ऐसी सामने आ रही हैं कि आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने ये सुसाइड किया है, क्या कोई रीजन पता चला है आपको? देखो हमें तो पता नहीं, वो तो अभी पुलिस जब इस विषय में जानकारी तथ्य प्राप्त करेगी तब मुझे मिलेंगे, पर उनके हाथों में इतनी चमत्कार करने की क्षमता थी कि समझो आर्थिक विवंचना है तो उस पर भी मात हो सकता था। उसके लिए सुसाइड करना ये तो मुझे नहीं लगता। ऐसे तो कई प्रसंग, हम जिस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर्श मानते हैं तो ऐसे कई प्रसंग जीवन में आते हैं, उस पर मात करने की क्षमता को विकसित करना, मुझे लगता है कि आर्थिक विवंचना से आत्महत्या ये तो कोई मार्ग नहीं हो सकता। और उनमें एक क्षमता थी कि आर्थिक विवंचना पे भी वो मात कर सकते थे। बहुत ही दर्द देने वाली घटना है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।